السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرین हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है रोजा और इफ्तारी। इफ्तार का वक्त भी बहुत खूबसूरत वक्त होता है, एक अनजानी खुशी का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, लिस्साइमि फरहतान यफरहुमा इजा अफ्तरा फरह बिफ़त्रिही वइज़ा लक़िया रब्बहू फरह बिसौमिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए खुशी के दो मौके हैं जिनमें वो खुश होता है। जब वो रोजा इफ्तार करता है तो अपना रोजा खोलने से खुश होता है, और जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोजे से खुश होगा, यानी उसका अजर व सवाब सामने पाकर। तो बात यह है कि इफ्तार का ये वक्त निहायत अहम वक्त है। ये वक्त कब शुरू होता है? कुरान पाक में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, थुम्म अतिम्मु सियाम इला लैल, फिर पूरा करो रोजे को रात तक। गोया जब रात का आगाज हो जाए, रात शुरू हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, तो वो रोजेदार के रोजे इफ्तार करने का वक्त होता है। गुरूब आफ्ताब रोजा इफ्तार करने की शर्त है, उससे पहले रोजा इफ्तार नहीं किया जा सकता। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم। आप صلى الله عليه وسلم ने फरमाया, जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोजादार रोजा खोल ले। गोया दिन का जाना और रात का आना वो वक्त है जब रोजा इफ्तार किया जाता है। यह भी याद रहे कि रोजा इफ्तार करने में जल्दी करना मसनून है। गोया सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद रोजा खोल लेना चाहिए। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन लियुसल्ली अल-मग़रिब हत्ता युफ्तिरा वलो अला शरबति माइन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार किए बगैर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते थे, चाहे एक घूंट पानी से इफ्तार करते। गोया इससे यह भी पता चलता है कि इफ्तार का वक्त मगरिब की नमाज से पहले का है, यानी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब तक के इफ्तारी न कर ली जाए। हजरत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग बराबर भलाई पर रहेंगे जब तक के रोजा खोलने में जल्दी करेंगे। जैसा कि सहरी के बारे में गुफ्तगू करते हुए आपको बताया गया था कि बहुत जल्दी सहरी करने की बनिस्बत ताखीर से सहरी करना लेकिन वक्त के अंदर ज्यादा अफजल है, इसी तरह इफ्तार में भी बहुत ताखीर नहीं करनी चाहिए कि मसलन रात का जब बहुत अंधेरा हो जाए, इशा की नमाज का वक्त हो जाए तो एक शख्स समझे कि अब इफ्तार करना ज्यादा सवाब का बायस है क्योंकि मैंने सब लोगों से एक डेढ़ घंटा ज्यादा लंबा रोजा रखा है और देर से खाया पिया है, तो ऐसा करना कुछ सवाब का बायस ना होगा बल्कि उल्टा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी। तो आपने फरमाया कि लोग भलाई पर रहेंगे जब तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे, गोया एतदाल में रहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें हर मामले में एतदाल का सबक देता है, इंतहा पसंदी हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। एक और हदीस के मुताबिक, वो लोग अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं जो इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। अन अबी हुरैरा तकाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं,
मुझे मेरे बंदों में सबसे ज्यादा महबूब वो हैं जो इनमें से इफ्तार में जल्दी करने वाले हैं। गोया अल्लाह ताला की इताअत करने में देर न करना, जब हुक्म आ जाए तो फिर पसोपेश न करना अल्लाह ताला को पसंद है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और आप जानते हैं कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले ताजा खजूरों से रोजा इफ्तार फरमाते, अगर ताजा खजूरें न होती तो खुश्क खजूरों से इफ्तार फरमाते, अगर खुश्क खजूरें न होती तो चंद घोंट पानी से ही इफ्तार फरमा लेते। तो इससे पता चलता है कि दूसरी चीजों के निस्बत खजूर से रोजा इफ्तार करना आपको ज्यादा पसंद था, गोया आपकी सुन्नत और आपकी पसंदीदा चीज खजूर से रोजा इफ्तार करना है, और खजूरों में भी ताजा खजूर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स के पास खजूरें हों, और यह भी जरूरी नहीं कि ताजा खजूरें हों। तो अगर मयस्सर हो, मुमकिन हो, तो ऐसा करना ज्यादा बेहतर है, और अगर ये चीज मयस्सर ना हो तो उसके बाद पानी पीना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पानी पाक करने वाली चीज है। इफ्तारी के सिलसिले में एक और बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि यह वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। जैसे सहरी के सिलसिले में आपको बताया गया था कि वो वक्त जिक्र इलाही का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसी तरह इफ्तार का वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातु दावातिन ला तुरद्दु, दावतुल वालिदी व दावतुस साइमी व दावतुल मुसाफिरी, कि तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप की दुआ, रोजादार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो गया इंसान इन तीनों हालतों से फायदा उठा सकता है। वालदैन को अपने बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए, इसी तरह रोजादार इफ्तार के वक्त खासतौर पर दुआ करे, दिन में भी दुआ कर सकता है लेकिन खुसूसन इफ्तार के वक्त, और इसी तरह मुसाफिर भी आम दिनों की निस्बत सफर की हालत में अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है, इसलिए उसको इस मौके से भी फायदा उठाना चाहिए। इफ्तारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ सिखाई है। अन इब्न उमर قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, जिसका तर्जुमा है प्यास खत्म हो गई, रगे तर हो गई और रोजे का सवाब पक्का हो गया इंशाअल्लाह। इसी तरह इफ्तार की कुछ और दुआएं भी आपने सिखाई। हजरत माज बिन जोहरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार करते तो फरमाते, अल्लाहुम्म लक सुमतु व अला रिज़्क़िक अफ्तरतु। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह तेरे ही लिए मैंने रोजा रखा और तेरे ही रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ्तार करना और इफ्तार में जल्दी करना बाबरकत है, इसी तरह इफ्तारी के वक्त भी दूसरों की गमगुसारी और दूसरों की दिलजोई और दूसरों के हुकूक का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों का रोजा इफ्तार करने की भी तरगीब दिलाई है। हदीस में आता है कि जिसने रोजादार को रोजा इफ्तार कराया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोजादार के लिए होगा, और रोजादार के अजर से कोई चीज कम न की जाएगी। तो इससे पता चलता है कि अगर एक इंसान दूसरों के रोजे इफ्तार कराने का एहतमाम करता है तो वो एक बहुत बड़े अजर को समेटता है। और इसमें भी फिर बात यह है कि किस चीज से किसी का रोजा इफ्तार कराया जाए, क्या उसके लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का ही एहतमाम किया जाए, या एक देग ही पकाई जाए, या कोई खास किस्म का एहतमाम हो? नहीं, ये सवाब हर वो शख्स पा सकता है कि जो लस्सी का एक घोंट या एक खजूर या पानी का एक घोंट पिलाकर ही किसी का रोजा इफ्तार कराता है, उसको भी ये सारा अजर सवाब हासिल होता है। अब रोजा इफ्तार करने वाले को एक और अदब और अखलाक ये सिखाया गया। अब आप देखिए
कि रोजा इफ्तार कराने वाले ने तो ये अजर पा लिया, लेकिन जो शख्स रोजा इफ्तार कर रहा है उसे जवाब में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? उसे भी एक अदब और अखलाक सिखाया गया कि वो इफ्तार कराने वाले के लिए दुआ करे, और वो दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखा दी। अन अनस قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोजा इफ्तार फरमाते तो उनको ये दुआ दिया करते थे, अफ्तरा इंदकुम अस्साइमून व अकल तआमकुम अल अब्रार व तनज़लत अलैहिकुम अल मलाइका, जिसका तर्जुमा है रोजादार तुम्हारे यहाँ रोजा इफ्तार करते रहे, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहे और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ नाजिल होते रहे। तो गोया इससे ये पता चलता है कि इस मौके पर दूसरे का दिल खुश करना और उसके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना एक बेहतरीन अमल है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा यह है कि रोजा मुकम्मल करके इफ्तार करना चाहिए, इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए, इफ्तार के लिए अफजल चीज खजूर और पानी है, इफ्तारी के वक्त दुआएं करनी चाहिए और मसनून दुआ याद कर लेनी चाहिए, अगर याद ना हो तो लिखी हुई सामने रखकर पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह दूसरों का रोजा इफ्तार कराने का भी एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इस मामले में भी एतदाल की जरूरत है। ऐसा ना हो कि इस एहतमाम में पढ़कर इंसान अपनी मगरिब की नमाज भी खो दे या तरावी के लिए हिम्मत हार बैठे। हमारा दीन एतदाल का दीन है, उसमें एक तरफ अल्लाह के हुकूक हैं और दूसरी तरफ बंदों के हैं, और दोनों ही अपनी जगह बहुत अहम है। अगर इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अभी हमने आपकी गुफ्तगू में सुना कि अफ्तारी का वक्त जो है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम है, लेकिन आमतौर पे हमारे घरानों में देखा गया है कि इस वक्त अफ्तारी की तैयारी में ज्यादा ध्यान होता है और दुआओं की तरफ जो है वो ध्यान कम होता है, तो इस चीज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जी शुक्रिया। इफ्तार का वक्त सहरी के वक्त की तरह एक बहुत बेहतरीन वक्त होता है, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, और आमतौर पर देखा गया है कि इफ्तारी की तैयारी में इतना वक्त लग जाता है कि दुआ करना भी भूल जाते हैं और आखिरी वक्त तक कुछ न कुछ पकाया जाता रहता है या लगाया जाता है और इसी में सारा वक्त गुजर जाता है। इस सिलसिले में बात यह कि एक तो ओवर ईटिंग रोजे के सारे मकसद को खत्म कर देती है, फिर बाजों का तबीयत में इतनी गरानी होती है कि उसके बाद नमाज जो है वो एक बहुत बोझल और मुश्किल काम महसूस होता है, फिर इसी तरह इसराफ भी होता है। तो इसमें भी एतदाल की जरूरत है। इंसान इफ्तारी की तैयारी में अगर जल्दी करे और आखिरी वक्त यानी रोजा इफ्तार करने से पहले के कुछ लम्हात जो है वो तमाम कामों को छोड़कर खुसूसी तौर पर दुआएं करने में गुजारे तो ये एक बहुत बेहतरीन अमल होगा। हम में से हर शख्स मोहताज है, हर शख्स किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। हम बाज़ों का दूसरों से कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, वो भी एक अच्छी बात है, करवा सकते हैं दूसरों से दुआ, लेकिन जब हमारे अपने पास एक वक्त होता है दुआ करने का, हमें अल्लाह ताला खुद मौका दे रहे हैं और इंसान खुद अपने लिए जैसी दुआ कर सकता है संजीदगी के साथ, इखलास के साथ, आहोजारी के साथ, वो कोई दूसरा कैसे कर सकता है? और फिर जब अल्लाह ताला हमें ऐसे मौके दे रहे हैं कि जब वो खुद बताते हैं कि ये कबूलियत का वक्त है, मांगो मुझसे, उन मौके को भी हम इधर उधर की चीजों में गंवा देते हैं तो ये हमारे लिए बासे हसरत हो सकता है। इसलिए उन औकात को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। मसलन आप क्या करें कि अगर आप किसी के यहाँ इफ्तार कर रहे हैं या अपने घर में इफ्तार कर रहे हैं तो इफ्तारी से पहले जो भी मयसर हो वो करीब रख लिया जाए और फिर यकसू होकर अल्लाह ताला से मुनाजात की जाए, जिक्र किया जाए, दुआ की जाए, और फिर जब वक्त आ जाए तो उस वक्त इफ्तार कर ली जाए और फिर नमाज मगरिब में जल्दी की जाए। ऐसा ना हो कि हम इफ्तार करने में इतनी ताखीर करें कि नमाज का वक्त बहुत लेट हो जाए, क्योंकि नमाज का अफसल वक्त ज्यादा बेहतर है नमाज की अदायगी के लिए अजर व सवाब के एतबार से, तो उसका एहतमाम भी रहे। और फिर बाद में अगर खाना खा रहे हैं तो इतना ज्यादा पेट भर के खाना न खाएं कि इशा की नमाज और तरावीह में मुश्किल हो, तो इन चंद बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा आपसे सवाल है कि बादलों की वजह से कभी कभी सूरज छुप जाता है, ऐसा लगता है जैसे गुरूब हो गया है, और हम अगर रोजा खोल लेते हैं तो क्या वो हो जाएगा? वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया जाए तो इससे रोजा नहीं होता, उस रोजे को आपको दोहराना होगा। कोई और सवाल? इफ्तार पार्टी के मुताबिक कुरान की रोशनी में क्या दलील है? इसमें कोई शक नहीं कि मिलकर खाने में बरकत होती है, या इफ्तार के मौके पर आप खुद इफ्तार अकेले करने की बजाय किसी दूसरे को भी शरीक कर सकते हैं, दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को। लेकिन आमतौर पर इसमें भी हम हद इतदाल से बढ़ जाते हैं। बाज़ुकात सिर्फ अमीर लोगों को उसमें दावत देते हैं, ये सिर्फ अपने खानदान के चंद मखसूस लोगों को दावत देते हैं, और गरीबों को इस मौके पर भुला दिया जाता है, जबकि रमजान का महीना तो है ही शहरुल मुआसात, एक दूसरे की गमगुसारी करने का महीना है, एक दूसरे की हमदर्दी का महीना है। तो इस मामले में जहां आप अपने रिश्तेदारों को याद रखें, दोस्तों को याद रखें, अपने साथ काम काज में शरीक लोगों को याद रखें, या किसी भी तरह जानने वालों को, वहां उन लोगों को भी जरूर याद रखें कि जो ना आपके रिश्तेदार हैं, ना दोस्त हैं, ना ताल्लुकदार हैं, लेकिन वो आपकी इफ्तार के कहीं ज्यादा मुस्तहिक हैं, और उनके दिल से निकली हुई दुआएं आपके लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो इस मामले में भी हमें देखना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खाने में जरूर किसी को शरीक किया करते थे, अंबिया की सुन्नत यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मामले में दूसरों का ख्याल रखा करते थे। तो इफ्तार पार्टी की जा सकती है, लेकिन हद इतदाल के अंदर, जिससे दूसरे फराइज मुतासिर ना हो। सहाबा कराम का आमतौर पर रुझान ये होता था कि रमजान में एक दूसरे से अजनबी हो जाया करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त उनको इबादत के लिए मिल सके। तो अगर हमारी इबादत पर असर न पड़े और हमारी रूहानियत मुतासिर न हो तो मेल जोल में हर्ज नहीं है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं।